सावनेर थाना अंतर्गत शाला से घर वापस जा रही अल्पवयीन छात्रा को घर छोड़ देने के बहाने से ले जाकर सामूहिक बलात्कार की घटना घटित हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर परिषद हाई स्कूल सावनेर में कक्षा 10वीं की छात्रा को स्कूल से 23 जनवरी शाम 5 बजे छुट्टी होने के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा इस बात को बोलते हुए दो युवकों ने उसे अपनी कार पर बैठाया और करीब खापा मार्ग के पास रास्ते पर लेकर जाकर उसके साथ जबरन बारी बारी से बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। ऐसी जानकारी छात्रा ने अपनी मां को देने पर इन दोनों ही युवकों के खिलाफ सावनेर थाने में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि मामला दर्ज होते ही स्थानीय अपराध शाखा के एपीआई निशांत फुलेकर, हवलदार विजय पांडे, सुरेंद्र वासनिक, दिनेश गाड़गे, प्रकाश छोके आदि ने आरोपियों की खोज में जगह जगह दबिश देकर दोनों आरोपियों को धर दबोचने में सफलता पाई है। बरोबर आहे, काल दिनांक 23ला शाळा सुटल्यानंतर पीडित मुलगी घरी जात आहे, त्याचे दोन ओळखीचे मित्रासोबत ते कारमध्ये गेली होती, ओळख असल्यामुळे त्यांच्याबरोबर गेली, परंतु त्या लोकांनी त्याच्या ओळखीचा गैरफायदा घेऊन त्याला इमोशनली करून आणि त्याच्यावरती ओळखीचा फायदा घेऊन त्याला घरी सोडून देतो या भागाने घेऊन गेले सुनसान ठिकाणी आणि त्याच्यावर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला। त्या संदर्भात आम्ही पोलीस स्टेशनला 376 पोक्सो संबंधी गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि सदर घटनेत पीडिताने सांगितल्याप्रमाणे दोन आरोपी अटक केलेले आहे आणि पुढील तपास चालू आहे। एनबीसी न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।